बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज एनटीएस ने काफ़ी जॉब्स अनाउंस किए हैं, कॉमर्स के रेलिवेंट हैं और कुछ बीएड के मुतालिक हैं। तीन टाइप की जॉब्स हैं जिस पे हम आज बात करेंगे और बताएंगे कि इसकी तैयारी कैसे होगी और इसकी क्राइटेरिया क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ए टू जी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पे इंशाल्लाह एक ही ट्यूटोरियल में इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इन कोर्सेज के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं होती, फ़ीस बहुत कम होती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com और व्हाट्सएप पे सेल नंबर गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंस डिवीज़न में ये जो जॉब्स हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं, स्टेनो की ये तो हैं लेकिन इससे आगे जो चल के मैं उस पर भी बात करूँगा। फाइनेंस डिवीज़न एप्लीकेशन वैकेंट पोस्ट, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन द नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ये सारी पोस्ट हैं। फ्राम द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट हु फुलफिल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डोमिसाइल्ड एज लिमिट क्राइटेरिया मैंशन अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ये सारी की सारी पोस्ट हैं। ये स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब जो है BPS 14 की हैं और उनकी तादाद है 27 और उसके लिए 25 प्लस 5 ईयर की जनरल रिलैक्सेशन है, यानी कि हर एक के लिए रिलैक्सेशन है, यानी कि 30 साल एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट चाहिए। मिनिमम स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स शॉर्ट हैंड में और टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट, ये नॉर्मल स्पीड है, कोई इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। और इनकी जो सीटें हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पंजाब की 11 हैं, पंजाब मिनॉरिटीज़ की 2 हैं, KPK 3 हैं, KPK मिनॉरिटीज़ की 1 है और सिंध रूरल जनरल जो हैं वो 5 हैं। इसके अलावा सिंध रूरल वोमेन के लिए 1 है, सिंध मिनॉरिटीज़ के लिए 1 है और AJK 1, GB फाटा के लिए 2 हैं। और जो ज़्यादा सीटें आई हैं वो हैं जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर, और इसकी मैं आपको क्वालिटी बताऊं, मुझे मेरे साथ एक मेरे क्लास फेलो PhD के हैं जिनकी जो मुझे बता रहे थे कि वो 7वें ग्रेड में आए थे, ये BPS 11 है, वो 7वें ग्रेड में फाइनेंस डिवीज़न में आए थे और अब वो 18 ग्रेड में सर्विस कर रहे हैं। तो फाइनेंस डिवीज़न की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वहाँ पर प्रमोशन काफ़ी मिलती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो समझते हैं कि हमने कैरियर को ग्रो करना है, एजुकेशन BCOM वगैरह उनकी बैचलर है, तो उनको लाजमी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो लाजमी इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। BPS 11 की ये पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है, सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, इकोनॉमिक्स में या फिर स्टैट के साथ या कॉमर्स में या फिर जो है CA इंटर हो, CMA इंटर किया हो या BCOM किया हो, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरिट पे 13 हैं, पंजाब जनरल 88 हैं, पंजाब की वोमेन 11 हैं, पंजाब की मिनॉरिटीज़ 7 हैं, पंजाब के डिसेबल्ड 2 हैं, KPK जनरल 12 हैं, KPK वोमेन 2 हैं, KPK मिनॉरिटीज़ 2 हैं, सिंध रूरल के लिए 15 हैं, सिंध वोमेन के लिए 2 हैं और सिंध मिनॉरिटीज़ के लिए 2 हैं, सिंध अर्बन जनरल के लिए 11 हैं, सिंध अर्बन वोमेन के लिए 1 है, सिंध अर्बन मिनॉरिटीज़ 2 हैं, AJK जनरल जो हैं 18 और AJK वोमेन 2, AJK मिनॉरिटीज़ 1, AJK डिसेबल्ड 1, GB फाटा की 37 हैं, GB फाटा की 5 हैं और वोमेन के लिए और GB फाटा मिनॉरिटीज़ के लिए 2 हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है सीटों की और 237 ओवरऑल जो है सिवाय बलूचिस्तान के, क्योंकि बलूचिस्तान की अलग से उन्होंने अनाउंस की हैं, तो ये सारी की सारी बलूचिस्तान के अलावा जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो गिवन है। तो इसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है, द कंपिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज विदआउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो प्रोसेस में ये गिवन कंडीशन होती है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता, ये कंडीशन गिवन होती है कि किसी भी टाइम ये जो है पोस्टपोन की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है। कंपिटेंट अथॉरिटी कैन इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसके बाद तीसरे नंबर पे है, द कंपिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू पोस्ट द सेलेक्टेड
कैंडिडेट्स एनीवेयर इन दी कंट्री, तो कहीं पे भी पोस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है एज की। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट यानी कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज ट्राइबल एरियाज़ वगैरह से, या जीबी के आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू से रूरल बलोचिस्तान फॉर द पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट जो होती हैं, ये भी 3 साल की इनको रिलैक्सेशन मिलती है। इसके अलावा जो आर्मेड फोर्सेस के लोग होते हैं उनको 15 साल या फिर जितनी उन्होंने सर्विस की हो उतनी, जो भी इसमें से कम हो उतनी उनको मिलती है रिलैक्सेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स होते हैं जिन्होंने 2 साल की कंप्लीट की होती सर्विस, 10 ईयर अप टू एज ऑफ 55 ईयर्स, तो उनको ओवरऑल 55 ईयर्स की एज या फिर 10 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। इसके में कम लेस होने की कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। और अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं NTS की वेबसाइट है, उसमें आपने फॉर्म जो होता है वो डाउनलोड करके फिल करके यहाँ पे एड्रेस गिवन होता है उसको भेजना होता है, और NTS उसको विद इन जो डेट लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है पब्लिकेशन डेट से 15 दिन बाद में लास्ट डेट होती है, यानी कि जो आज एडवर्टाइज़ अगर ये सीटें हुई हैं तो इसके 15 दिन के बाद तक 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए, और उसके बाद स्क्रीनिंग होती है और नई लिस्टें जो होती हैं वो कोई अगर उसमें एजुकेशन में फॉल नहीं करता या एज उसकी ओवर होती है तो उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और उनको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आगे चल के 6% जो है अपॉइंटमेंट कोटा जो है वो बलूचिस्तान के लिए उसका अलग से ऐड दिया गया है, और उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। स्टेनोटाइपिस्ट की उसमें 2 हैं, और जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर जो है BPS 11 वही जो है कंडीशन है एज की भी और एजुकेशन की भी, और उनकी 33 पोस्ट हैं ये बलूचिस्तान के लिए, और ड्राइवर की 1 है और गनमैन की 17 पोस्ट हैं। तो ये भी उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके हिदायत को पढ़ सकते हैं, और जो रिलैक्सेशन गिवन है वो भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें कंडीशंस है, और बाकी अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर है। इसके अलावा आज़ाद हुकूमत जो है रियासत जम्मू और कश्मीर, इसकी एलिमेंट्री व सेकेंडरी एजुकेशन के जो टीचर्स के लिए दरख्वास्तें वो भी मतलूब हैं। प्राइमरी टीचर BPS 7 के लिए, जूनियर जनरल लाइन टीचर जो है BPS 9 है, जूनियर साइंस टीचर है BPS 9 है, और जूनियर अरबी टीचर, तो ये नंबर 1 पे गिवन है, और ये गिवन है उसके लिए दरकार तालीमी व पेशावर काबिलियत किसी भी मुस्तनद यूनिवर्सिटी से एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, ये थी प्राइमरी टीचर के लिए। इसके अलावा ADE सेकेंड डिवीजन, BA BSc सेकेंड डिवीजन, और ये BS एजुकेशन वगैरह, ये सारी की सारी जो है उसकी क्वालिफिकेशन मुख्तलिफ जो भी इसकी हैं हर ग्रेड की, हर एक की अलग अलग से जो भी क्राइटेरिया है आप उसमें पढ़ सकते हैं। चूंकि ये जो होस्ट एम्प्लॉयज़ थे बलूचिस्तान में उनको ज़रा थोड़ा सा उनको क्लीन अप किया गया है, और उनकी जगह इसलिए सीटों का अभी अनाउंसमेंट नहीं, तो जितने भी ये तकरीबन 15,000 के करीब लोग जो है टीचर जो हैं वो मालूम हुए हैं इनको जो होस्ट है, यानी कि वो एम्प्लॉय तो चल रहे थे लेकिन वो सर्विस नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट सिर्फ सैलरी ले रहे थे, तो उनको सस्पेंड किया है, तो उसके अगेंस्ट ये पोस्ट जो हैं और इनको भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, तो ये सीटें हैं। आगे चल के ये जूनियर कारी टीचर है, इसके भी आप तालीम देख सकते हैं क्या चाहिए, और सीरियल नंबर 2 पे है। PET की भी सीटें हैं और ड्राइंग टीचर के लिए भी, और उसकी भी एजुकेशन गिवन है, आप डिटेल उसकी पढ़ सकते हैं। दरख्वास्त जमा करवाने का तरीका भी उर्दू में ये गिवन है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ये भी शरायत व ज़वाबित हैं जितने, आप इसको भी वेबसाइट पे भी NTS के जा के पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे भी आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो इन जो टीचर्स हैं, नेशनल सेविंग ऑफिसर है जूनियर लेवल का BPS 11 का, इनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और स्केड्यूल जो फ़ीस का है वो बड़ी मुनासिब फ़ीस हम इस दफ़ा मुतय्यन कर रहे हैं इसकी। जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर इसकी 2500 फ़ीस होगी, और टीचर्स जो हैं उनकी 2000 फ़ीस होगी। तो अगर आप ऑनलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का अगेन एड्रेस गिवन है, सेल नंबर भी गिवन है,
और बेस्ट ऑफ लक जो अप्लाई करने वाले हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम कल से क्लासेस इसकी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम इसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ताकि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो एडमिशन लेते हैं उनका मंथली बेसिस पे कोई फ़ीस नहीं होती, वंस फीस होती है, और ये कोर्स क्लास तब तक चलती है जब तक टेस्ट नहीं हो जाता। जूनियर ऑडिटर के लिए भी जैसा कि कम टाइम था तैयारी के लिए, तो मैं अब नहीं चाहता कि कोई भी हमारा पार्ट रह जाए या हम उसमें कम टाइम दें, ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं हम, आप टाइम अवेल करें। अगर NTS में आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, जब क्लोजिंग डेट होती है तो उसके को तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर टेस्ट हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए आपको इन टाइम की केयर करें, और विदाउट वेस्टिंग टाइम आप ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दो में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।